युवा बोला है, जिला पुलिस के समय सूची जारी करो, सूची जारी करना होगा। नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज। इस वक्त मैं मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष हूँ और ठीक इसी जगह एक महीने पहले दुर्गा पूजा के समय जैप जिला पुलिस के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और तमाम विधायक आकर इनसे मिले, इन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन को तोड़कर अपने अपने घर गए। उन्हें आश्वासन इन्हें दिया गया था कि 15 नवंबर तक इनकी जो लिस्ट है, जिसमें सभी सफल हुए हैं, इनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया है, सिर्फ आश्वासन मिला है और इसी को लेकर जैप के जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन बैठे हैं। चलिए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि अब ये आपका दूसरा अनिश्चितकालीन धरना जो है वो आज से शुरू है, क्या ये अनिश्चितकालीन ही हो रहा है? बिल्कुल, आज ये अनिश्चितकालीन का आगाज हो चुका है ऐतिहासिक मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष, और ये अनवरत चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग सिंपल है कि समेकित सूची जारी करिए। आपका विज्ञापन संख्या 4/2015 का कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर सीट खाली रहती है तो समेकित सूची जारी किया जाएगा, तो फिर देरी क्यों किया जा रहा है? और हम लोगों ने 17 बार तक हम लोगों ने विभिन्न विधायक मंत्री से मुलाकात की है, आश्वासन भी मिला, उसके बावजूद भी हमारी मांग क्यों पूरी नहीं किया जा रहा है? इसीलिए आप हम लोग जो है कि आर पार की लड़ाई के मूड में, पूरे जिला पुलिस पूरे राज्य के विभिन्न जिला से इतने ठंड में कोरोना काल में हम लोग आए हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। और वही मैदान में, जिस मैदान में माननीय हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण किए हैं मुख्यमंत्री पद का, और उन्होंने हम लोग से वादा किए थे कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, और जो है कि लेकिन एक साल अब 29 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन हम लोग का 5 लाख तक किया, 5 नौकरी का आज तक का नसीब नहीं हुआ है। सुनिए, देखिए, एक महीने पहले आप इसी जगह धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, तमाम और भी अलग अलग संस्था के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, और फिर अगर आपको याद होगा 15-20 दिन पहले बादल पत्रलेख, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि जिन नौकरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जिनकी मेरिट लिस्ट रुकी हुई है, इन सभी का एक डेटा जो है वो तैयार किया जा रहा था। आप सभी लोग कांग्रेस भवन मिलने के लिए भी आए थे, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी मंत्री जी से? तो हम लोग का जो स्पष्ट लोग एक कमेटी भी बनाया गया विधायक का इसके लिए, और 15 तारीख तक का डेट दिया गया था। हम लोग को वो बात सारा धोखा हुआ, वो जो सिर्फ और सिर्फ जो बेरमो चुनाव और दुमका चुनाव जो था, उन लोग का चुनाव में असर कर रहा था, लोग हार जाता, इसलिए हम लोग से दोबारा ठगा। पहला ठगा 2019 का चुनाव में कि 5 लाख नौकरी देंगे, और दूसरी बार ठगा जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे अनिश्चितकालीन, उन्होंने आके हम लोग को मैंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर हम लोग जितना भी फाइनल लिस्ट है जारी करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये दूसरी धोखा हुआ दुमका और बेरमो चुनाव को लेकर के। अब जो है कि युवा किसी भी प्रकार का धोखा के झांसा में आने वाले नहीं है। अगर मंत्री विधायक आते हैं आपसे मिलते हैं तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग बात ही नहीं करना है, एक ही मांग है, सूची लिस्ट जारी करिए। हमका हमारा मांग जो है कि आपको बता चुके हैं, आप अवगत है हमारा मांग से। हम जब तक सूची नहीं देखेंगे, मेरिट लिस्ट नहीं देखेंगे, समेकित सूची नहीं देखेंगे, तब तक और कोई वार्ता नहीं होगा। अब ये सेकंड लिस्ट जारी होने के लिए आप लोग ये सभी जो यहाँ पे बैठ कर आंदोलन करें, ये बताइए कितनी सीटें अभी तक खाली? 72 सीट टोटल था, उसमें लगभग 4,000 का हुआ है, बाकी सब 3,500 सीट खाली है। जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो कंडिका 7 के आधार पर जो है कि इसको सेकंड लिस्ट समेकित सूची जारी करिए। कितने लोग अभी तक आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कितने दिन का आप लोग का धरना प्रदर्शन रहेगा? अनिश्चितकालीन है, लेकिन क्या अगर सरकार आती है, बात करती है, वार्ता होता है, तो क्या वापस घर जाएंगे? वार्ता बहुत बार हुआ, वार्ता का कोई यहाँ बात ही नहीं है।
यहाँ 150 लोग पहुँच गए हैं विभिन्न राज्य लोग से मिले हैं अभी तक राज्य के विभिन्न धरना प्रदर्शन कर इस ये जो आपका सेकंड बार जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये करने से पहले किसी से मिले भी थे? हम लोग ने विधायक से मिले, मिथिलेश ठाकुर जी से मिले, मंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग का कई मुलाकात हो चुका है, बादल पत्र लेख जी से मिले, लेकिन इन लोग जो है कि झारखंड के छात्र को नौजवान को फुटबॉल की तरह समझ रखे हैं कि एक प्लेयर इधर से मारते है तो गुड़कते गुड़कते उधर चल जाएगा और उधर से एक मारते है तो गुड़कते गुड़कते इधर चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ठीक मैं बापू वाटिका के समक्ष हूँ, ये दूसरा अनिश्चितकालीन धरना जो है वो जिला पुलिस के अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। आपको मैं यहाँ पे जो इन लोगों ने पैम्पलेट लिखा है उसमें साफ लिखा हुआ है कि झारखंड पुलिस ऑब्लिक जैप विज्ञापन संख्या 04/2015 सभी सफल अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के अनुसार समेकित मेघा सूची सेकंड लिस्ट जारी करवाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि 30 नवंबर 2020 यानी कि आज से लागू ये लोग कर चुके हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ चुके हैं और इस बार किसी भी मंत्री और विधायक का आश्वासन से ये लोग उठने वाले नहीं हैं जब तक सरकार इनकी दूसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करती है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इनकी मांगों को सुनती है और पूरा करती है। तो फिलहाल आप देखते रहें द एसडी न्यूज़।